हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करी थी, और लास्ट में हमने फिर जी कैसे वेरी करता है आज से हाइट या डेप्थ पे जाने पर उसकी भी बात करी थी। तो अर्थ को हम जो है बीइंग अ मैसिव बॉडी एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम इट्स सर्फेस। तो उस पर एक एग्जाम्पल करते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया जाए तो कितनी हाइट तक जाएगा। इसमें मैंने बताया था कि हम जब प्रोजेक्टाइल्स की स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में तो जी को यूनिफॉर्म मानते हैं, बट वो जी को यूनिफॉर्म मानना रीजनेबल है यदि हाइट जो है ऑब्जेक्ट की जो रीच हो रही है वो फ्यू मीटर्स की है। हमने देखा था कि यदि हाइट जो है रीच अर्थ के कंपेरेबल हो सकती है रेडियस के तो हमें जी का वेरिएशन कंसिडर करना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल उसी को लेकर करते हैं कि यदि प्रोजेक्शन की वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की हो, हाइपोथेटिकल है क्योंकि फ्यू मीटर्स पर सेकंड जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम हाथ से थ्रो करते हैं तो उसके लिए जी यूनिफॉर्म मान लेते हैं, बट यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करें कि अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स, लेट्स कंसिडर रेडियस ऑफ अर्थ एज आर और यू जो है इसकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं आप रूट जी आर, वेयर जी इज जी एम बाय आर स्क्वायर, अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमने जी मान रखी है। तो ये वेलोसिटी हो गई इक्विवेलेंटली जी की वैल्यू डालें तो रूट जी एम बाय आर। तो इस वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका है और हम निकालना क्या चाहते हैं, टू फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप ध्यान रखो यू स्क्वायर अपॉन टू जी एच मैक्स से क्या था आंसर, यू स्क्वायर अपॉन टू जी करते तो आर बाय टू आ जाता, बट हम देखें कि क्या वो सही है। तो यू स्क्वायर बाय टू जी कब करते हैं, जब जी यूनिफॉर्म होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट करना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या मानेंगे, इसकी वेलोसिटी जीरो मान लेंगे, तो के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट। अर्थ पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें अर्थ का रिकॉइल जो है हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है और जो काइनेटिक एनर्जी अर्थ के रिकॉइल के साथ एसोसिएटेड होगी वो भी जो है नेग्लिजिबल होगी क्योंकि के पी स्क्वायर बाय टू एम होता है। तो अर्थ का मास काफी ज्यादा है थ्रो करे हुए ऑब्जेक्ट से, इसलिए अर्थ के रिकॉइल के साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे माइनस जी एम एम अपॉन आर हो जाएगी पार्टिकल अर्थ की, इज इक्वल टू हम हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो बोल देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर मान ली। स्मॉल आर क्या है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब पार्टिकल के अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस अपन स्मॉल आर बोल रहे हैं। तो हाइट नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आर में से कैपिटल आर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें यू की वैल्यू डाल देते हैं,
इससे हमें मिल रहा है आर इक्वल टू टू आर। तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, आर में से कैपिटल आर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यू स्क्वायर बाय टू जी से हम जो करते हैं जी को कॉन्स्टेंट मान के प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा के, तो आंसर हमारा आर बाय टू जो आता है वो गलत आंसर है और सही आंसर इसका क्या होगा, एच मैक्स विल बी कैपिटल आर। इसी में एक वेरिएशन आता है कि भाई यदि इसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को जो है वर्टिकली नहीं थ्रो करके एंगल पर थ्रो किया जाए, तो इसी का वेरिएशन लेते हैं आप। मान लिया ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे थ्रो किया है और हम निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। तो यू जो है सेम ले रहे हैं अपन, बट हाईएस्ट पॉइंट पे जब एंगल पे फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं लेंगे, इसमें हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी जो है वी मान लेते हैं। अब ये जो एक और अननोन जो है स्मॉल आर के अलावा वी, एक और जो अननोन है उसके लिए हमें एक और प्रिंसिपल सोचना पड़ेगा, और वो जैसे प्रोजेक्टाइल में करते थे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहां पर हमें क्या सोचना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्टाइल है उसके ऊपर फोर्स ऑलवेज अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो अर्थ के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि टॉर्क जीरो होता है। अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स का टॉर्क अर्थ के सेंटर के अबाउट जीरो होगा, और रोटेशन में आपने पढ़ा है कि किसी पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का टॉर्क यदि किसी पॉइंट के अबाउट जीरो होता है तो उस पॉइंट के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस थ्रो करे हुए प्रोजेक्टाइल का अर्थ के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी तो कंजर्व कर ही सकते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अर्थ के सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सो ये हमने ए पॉइंट बोला, ये बी पॉइंट बोला, तो एक तो टोटल एनर्जी जो है ए पर और बी पर इक्वल बोली जा सकती है, और एक एंगुलर मोमेंटम जो है ए और बी पर इक्वल बोला जा सकता है। तो ये दो प्रिंसिपल हैं जिससे हमें क्या दो चीजें निकालनी है, स्मॉल आर एच मैक्स उससे आ जाएगा कैपिटल आर सब्ट्रैक्ट करके, और वी, आर और वी के लिए हमें दो इक्वेशन बना के उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी पहले क्या लिखेंगे, ए पर हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, अर्थ की रेडियस के बराबर, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल। दूसरी इक्वेशन एंगल मोमेंटम की होगी, एंगल मोमेंटम आपको पता है कि v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट से लिखते हैं, तो यहाँ पे u cos 30 जो है v परपेंडिकुलर होगा, तो m v परपेंडिकुलर इनटू r, दैट इज हाउ वी राइट एंगल मोमेंटम। तो la क्या बनेगा, m इनटू u cos 30 इनटू कैपिटल r इक्वल टू स्मॉल m इनटू v इनटू स्मॉल r। तो यहां से हम, क्योंकि हमें स्मॉल आर निकालना है इसलिए वी की वैल्यू यहां डाल सकते हैं, स्मॉल एम कट जाएगा, वी इज इक्वल टू यू आर अपॉन स्मॉल आर। तो ये वैल्यू यहां पे ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें, स्मॉल एम कैंसिल हो रहा है और यू की वैल्यू डाल देते हैं जी एम बाय टू आर माइनस जी एम बाय आर, स्मॉल एम कैंसिल कर दिया मैंने, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बनेगा 3/4 यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है जी एम बाय आर, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
और माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो आप देख रहे हो इसकी इस आर स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बन रही है, आर की क्वाड्रेटिक बन रही है। तो पहले तो जी एम कैंसिल कर देते हैं, जी एम, और फिर ये बच जाएगा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है माइनस वन बाय टू आर इज इक्वल टू थ्री बाय एट कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन बाय आर। हम इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और एक तरफ ले जाएं, ओके, इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा एट आर्स, और मल्टीप्लाई कर देते हैं आर स्क्वायर फोर आर स्क्वायर माइनस एट आर आर प्लस थ्री आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इससे स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे अपने को, 16। तो एट आर प्लस माइनस फोर आर डिवाइडेड बाई एट, तो एक तो मिलेगा हमें कितना, 12 आर बाय एट, और एक मिल रहा है 4 आर बाय एट। क्या मतलब हुआ, एक तो 3 आर बाय टू आ रहा है और एक आर बाय टू आ रहा है। तो इस तरह दो वैल्यूज आ गई, एक आर से लेस आ रही है, एक आर से ग्रेटर आ रही है। तो ये जो r बाय टू है ये तो एब्सर्ड हो जाएगी, क्योंकि ये थ्रो करा हुआ ऑब्जेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट हाइपोथेटिकल ऐसे होगी, तो ये r बाय टू तो जो है अर्थ की अंदर पॉइंट लाई करेगा। तो ये वाला जो r है 3r बाय टू, इससे हम h मैक्स लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा r माइनस कैपिटल r दैट इज r बाय टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एंगल पे फेंके हुए प्रोजेक्टाइल को कितनी हाइट तक वो जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच बाई हम निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट क्या था, इस बात को रियलाइज करना इम्पोर्टेंट था कि क्या होगा जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो एक तो उसकी एनर्जी के अंदर होगी और उसका एंगल ऑफ अर्थ के सेंटर के अबाउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये दो प्रॉब्लम जो है, दो इक्वेशन जो है हमें क्या दो अननोन निकालने में हेल्प कर सकती है, वी और स्मॉल आर। ओके, क्वाड्रेटिक जो बनी है उससे दो वैल्यूज आई हैं, वो भी आप देख लो, कैपिटल आर से ज्यादा वाली वैल्यू ही हमारे लिए मीनिंगफुल होगी। ओके, इससे हम आगे बढ़ते हैं और अब आता है सैटेलाइट्स के ऊपर। सैटेलाइट्स एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स, एक सिचुएशन का हम कंसिडर करें कि भाई अर्थ का मास कैपिटल है, रेडियस कैपिटल आर है, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है जिसका मास स्मॉल है, ऑब्वियसली मच मच स्मॉलर देन मास ऑफ अर्थ है, तो वो इसके अबाउट सर्कल ऑर्बिट में स्मॉल आर रेडियस।
तो ये हम निकालना चाहते हैं कि भाई क्या इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी, क्या उसका टाइम पीरियड होगा और कितनी सिस्टम की एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अर्थ सैटेलाइट सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड की। ऑर्बिटल स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और आपको पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट होती है या सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू हम एम यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर कर देंगे। तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और हमें यू मिल जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड है अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। तो ये आर ऑर्बिट की रेडियस है और ये ऑर्बिटल स्पीड है। ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड करती है, ऑर्बिट की रेडियस पे डिपेंड करती है। तो ये बात हुई सैटेलाइट जो है सर्कल ऑर्बिट में है तो उसकी स्पीड की। अब अपन बात करें इसके टाइम पीरियड की। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, मोशन यूनिफॉर्म है तो सर्कमफेरेंस जो है मैं स्पीड को डिवाइड कर दें तो टी हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय यू। यू की वैल्यू डाल दें तो ये बन जाएगा 2 पाई आर की पावर 3 बाय 2 अपॉन अंडर रूट जी एम। तो टी स्क्वायर यहाँ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है। आगे हम देखेंगे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केपलर्स लॉ जो कि प्लैनेट्स के लिए जब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करते हैं तो उनका टाइम पीरियड जो है ऑर्बिट की जो है साइज पे डिपेंड करता है। ऑर्बिट का साइज ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में हमने बात करी और अब आते हैं सिस्टम की टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम, तो टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें सैटेलाइट की और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, हाफ एम यू स्क्वायर से यू स्क्वायर हो गया जी एम बाय आर, तो ये बन गया जी एम एम अपॉन टू आर। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो लिखेंगे माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी दोनों का सम कितना बन जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है इस तरह की चीज, जब इलेक्ट्रॉन जो है बोर के मॉडल में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटता है तो हम इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी लिखते हैं और माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन टू आर बनती है वो। और उस एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही हम क्या करते हैं, उसके एक शेल से दूसरे शेल में जाने पर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एमिटी एब्जॉर्ब करेगा वो लिखते हैं। तो यहाँ पर भी उसी की एनालॉजी से हमें समझना चाहिए कि सैटेलाइट को भी यदि एक सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरे सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रांसफर करना है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें उसे सप्लाई करनी पड़ेगी, वो इसे टोटल एनर्जी के चेंज से लिखेंगे। ओके, तो ये जो बेसिक्स है कि भाई कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तो क्या उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है और कितनी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, वो हमें निकालना आना चाहिए। अब आती है बात कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है
डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ होते हैं जो जिनका एल्टीट्यूड कम होता है और कुछ होते हैं जिनका एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं अलग अलग पर्पस के सैटेलाइट्स के। उसमें एक स्पेशल पर्पस सैटेलाइट होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो उन सैटेलाइट्स को कहते हैं जो अर्थ से देखने पे स्टेशनरी अपीयर होते हैं। सैटेलाइट्स विच अपीयर स्टेशनरी as seen from Earth। Earth को हमें rotating कंसिडर करना पड़ेगा और कोई सैटेलाइट जो है तभी अर्थ से देखने पर स्टेशनरी अपीयर हो सकता है यदि वो इक्वेटर के प्लेन में हो और उसका ओमेगा अर्थ के ओमेगा के बराबर हो। सो दैट इज द नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन क्या है? ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट मस्ट कंटेन इक्वेटर, ठीक है ना? उसके सैटेलाइट के ऑर्बिट के प्लेन में इक्वेटर होना जरूरी है। और दूसरा, सैटेलाइट मस्ट हैव सेम एंगुलर स्पीड एज अर्थ, अर्थ के बराबर उसकी एंगुलर स्पीड होनी चाहिए। और तीसरा, सैटेलाइट मस्ट रोटेट इन सेम सेंस एज अर्थ। अर्थ का रोटेशन का सेंस पता होना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो है नेसेसरी कंडीशन है किसी सैटेलाइट के अर्थ से देखने पर स्टेशनरी अपीयर होने की। और हम क्या करेंगे इसमें, ये सोचना पड़ेगा कि जो अर्थ का ओमेगा है उतनी ही ओमेगा यदि चाहते हो तो टाइम पीरियड कितना होना पड़ेगा, 24 आवर होना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड टी मस्ट बी 24 आवर्स। तो उसकी रेडियस जो है इतनी होनी चाहिए कि टाइम पीरियड सैटेलाइट का कितना आ जाए, 2gr2, क्योंकि g की वैल्यू हमें नोन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है सरफेस में, r की रेडियस ऑफ अर्थ भी 6400 किलोमीटर है। तो हम मास ऑफ अर्थ जो है इससे जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। तो gm की वैल्यू gr2 डाल दें तो हम t की वैल्यू 24 आवर सेकंड में पुट करके r की वैल्यू निकाल सकते हैं, gives r as nearly 42,000 किलोमीटर। तो अराउंड 36,000 किलोमीटर जो है हाइट पे एल्टीट्यूड होता है जियो सैटेलाइट और अर्थ की रेडियस से काफी ज्यादा है वो। बेनिफिट्स क्या है सैटेलाइट के जियो स्टेशनरी होने के? जो एप्लीकेशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
आर यूज फॉर कम्युनिकेशन परपज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है के अंदर हम क्या करते हैं, सिग्नल अर्थ से सेंड करते हैं और वापस सैटेलाइट से वो डिफरेंट प्लेस पे रिसीव करते हैं। तो हमारे घरों पे जो सैटेलाइट डिस्क लगी रहती है टीवी प्रोग्राम देखने के लिए, वो आकाश की तरफ जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट करके रखनी पड़ती है, क्योंकि वो सैटेलाइट से लाइन ऑफ साइट में कम्युनिकेशन ही पॉसिबल हो पाता है। हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, जैसे लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन। तो वो डिश भी जो है वो हमें सैटेलाइट की तरफ पॉइंट करके रखना पड़ता है, और जियो स्टेशनिंग होने का बेनिफिट ये होता है कि हमें डिश को टर्न नहीं करना पड़ता। तो जैसे ओमेगा यदि सैटेलाइट की अर्थ के बराबर नहीं होगी तो जैसे सन की पोजीशन चेंज होती रहती है वैसे सैटेलाइट की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी, तो हमें डिश को कंटिन्यूअसली टर्न करना पड़ेगा सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो ये जो ट्रैकिंग का जो एक एडिशनल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी यदि सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी नहीं हुआ, तो उससे क्या होती है बहुत सिंपल हो जाती है डिजाइन, और डिश जो है फिक्स्ड पोजीशन में रख के हम सिग्नल को कंटिन्यूअसली रिसीव कर पाते। तो घरों घरों में जो है आप देखते हो घर पर डिश लगी रहती है और वो फिक्स्ड पोजीशन में होती है और सिग्नल कंटिन्यूअसली वो रिसीव कर पाती है सैटेलाइट से। तो ये जियो स्टेशन सैटेलाइट बहुत एसेंशियल है, और इसके लिमिटेशंस भी, इसके लिमिटेशन ये है क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये फोटोग्राफी के लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए सूटेबल नहीं होते। तो जो रिमोट सेंसिंग पर्पसेस होते हैं जिसमें कि हम अर्थ की इमेजेस लेना चाहते हैं, उसके लिए सैटेलाइट का एल्टीट्यूड कम होना चाहिए, और कम एल्टीट्यूड के सैटेलाइट्स होते हैं तो वो थोड़े समय के लिए विजिबल रहते हैं, क्योंकि उनके ओमेगा अर्थ के ओमेगा के बराबर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है उसकी स्पीड को ज़्यादा कम करना। यदि ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड उसके ऑर्बिट के रेडियस से ही डिसाइड होती है। हम जैसे सड़क पर गाड़ी को ज़्यादा तेज चला सकते हैं, वैसे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्योंकि वो ग्रेविटी के फोर्स के अंडर चल रहा है, इसलिए उसकी स्पीड जो होगी वो रूट जी एम बाई आर से ऑर्बिट के रेडियस से डिसाइड होती है। ग्राउंड पे तो क्या है, फ्रिक्शन से ब्रेक लगा के और एक्सेलेरेट करके ऑब्जेक्ट गाड़ी की स्पीड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बट सैटेलाइट में ये सब पॉसिबल नहीं है, उसमें इंजन नहीं होता है, वो जो है फ्रिक्शनलेस एनवायरमेंट ऑलमोस्ट होता है जिसके अंदर वो कॉन्स्टेंट स्पीड पे जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ग्रेविटी के फोर्स के अंडर करता रहता है। तो जो दूसरे सैटेलाइट्स हैं फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पजेस, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स आर यूज। ओके, अब इसमें जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि लो एल्टीट्यूड का सैटेलाइट होता है तो कितना एरिया वो कवर कर पाएगा, ये हम टेंजेंट डाल के इस थीटा की मदद से सॉलिड एंगल आ जाएगा। तो यदि कैपिटल आर है और ये एच है तो इस 90 डिग्री से हम क्या लिख पाएंगे, कॉस थीटा लिख पाएंगे, कॉस थीटा विल बी आर अपॉन आर प्लस एच। ओके, और सॉलिड एंगल ओमेगा जो है क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और जो एरिया
हम निकालना चाहते हैं ये वाला एरिया ओवर विच सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट कैन बी रिसीव्ड, वो बन जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ओवर विच सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट कैन बी रिसीव्ड, ये हम इस तरह से निकालेंगे। बट ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ट्रू होगा, फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो कम एल्टीट्यूड का सैटेलाइट है वो क्या है, अर्थ के रिलेटिव मूव भी कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, ये वो पूरा एरिया है जहां अर्थ के रिलेटिव ये मूव करेगा तो सिग्नल रिसीव किया जा सकता है। ओके, इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ के टोटल एरिया में से ये ए डैश के ट्वाइस को माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया ये वाला कवर्ड एरिया क्या आ जाएगा, 4πr² माइनस 2a। ओके, और ए डैश कैसे निकालेंगे, ए डैश निकालने के लिए हमें 2πr² इंटू 1 माइनस cos phi करना पड़ेगा, ठीक है ना, और पाई जो है 90 माइनस थीटा है, और कॉस थीटा हमारे पास आर ऊपर आर प्लस एच था, तो उससे साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे और हम एरिया जो लो एल्टीट्यूड का सैटेलाइट कवर करेगा वो निकाल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, एक जियो स्टेशन सैटेलाइट का सिग्नल कितने एरिया पर रिसीव किया जा सकता है वर्सेस उस सैटेलाइट का सिग्नल जो अर्थ के रिलेटिव मूव कर रहा है। ओके, यदि हम कहें कि किसी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सिग्नल कहां पे रिसीव नहीं हो सकता है, तो वो ये वाला एरिया होगा, दिस इज द एरिया ओवर विच, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कहां होना पड़ेगा, इक्वेटर के प्लेन में होना पड़ेगा। ओके, तो इक्वेटर के प्लेन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को होना पड़ेगा, इसलिए इस एरिया में किसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सिग्नल नहीं जा सकता है। ऑर्डिनरी सैटेलाइट जो है वो तो इक्वेटर से पोल के इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पोलर सैटेलाइट का ऑर्बिट इस तरह का नहीं हो सकता है, इस तरह का ये ऑर्बिट पॉसिबल है, बट अर्थ का सेंटर उसके प्लेन में लाना जरूरी है। ओनली कंडीशन नेसेसरी फॉर सैटेलाइट इन जनरल इज दैट अर्थ सेंटर मस्ट लाई इन इट्स प्लेन ऑफ ऑर्बिट। प्लेन ऑफ ऑर्बिट, तो यह समझना जरूरी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ही कंडीशन है कि वो इक्वेटर के प्लेन में होना चाहिए, बट लो एल्टीट्यूड का सैटेलाइट जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ भी जा सकता है, उसकी ऑर्बिट इस तरह से भी हो सकती है। तो जो जीपीएस पर्पस के लिए यूज में आते हैं सैटेलाइट्स, वो कॉन्स्टेलेशन होता है, पूरा कई सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पर है। तो जीपीएस पर्पसेस के लिए क्या यूज करते हैं, सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन यूज करते हैं, और थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडिया का भी एक जीपीएस सिस्टम है नाविक जिसका नाम है, और वो आपको पता होना चाहिए, बट मोस्टली जो नेविगेशन सिस्टम जीपीएस का
वर्ल्ड ओवर यूज में आता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय यूएस, बट इंडिया ने भी अपना इंडिजिनस सिस्टम जो है अब डेवलप कर लिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जीपीएस सिस्टम का इंडिजिनस होना, बिकॉज जो ट्रैकिंग होती है मिलिट्री पर्पजेस के लिए वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, और उन एप्लीकेशन में किसी कंट्री का यदि इंडिजिनस सिस्टम है उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो ये जो हमने बात करी कि सैटेलाइट जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए किस किस तरह से जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एस्केप स्पीड। जैसे हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है को प्रोजेक्ट करें अर्थ के सरफेस से, तो वो तब तक जाता जाएगा जब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और हाइट रीच करने के साथ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये सपोज हमें निकालना हो कि भाई विद व्हाट मिनिमम स्पीड कैन पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट एस्केप्स द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज इट डजंट कम बैक। तो वो जो मिनिमम स्पीड होती है वो एस्केप स्पीड कहलाती है, मिनिमम स्पीड विद विच अ पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड सिस्टम के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होती है ग्रेविटेशनल फील्ड तो अर्थ के केस में यहां पे जो है सरफेस पे एस्केप स्पीड यदि हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का कंजर्वेशन करके हम निकाल सकते हैं अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है का सम हम किसके बराबर कर देंगे, मिनिमम स्पीड निकालने के लिए इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ओके, क्योंकि एस्केप स्पीड मिनिमम स्पीड को बोलते हैं, तो इन्फिनिटी पे हम क्या ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी जीरो ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती ही है। तो यहां से वी एस्केप कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gm/r। ये एस्केप स्पीड आ जाएगी अंडर रूट 2gm/r और ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है रफली फॉर सरफेस ऑफ अर्थ। इस स्पीड से यदि ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा। ओके, नाउ एक एग्जांपल हम लेते हैं ऑन बाइनरी स्टार्स। अभी तक तो हमने क्या करा है कि ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया था, बट यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कंपेरेबल मासेस के जो अपने सेंट्रल मास के अबाउट जो है रोटेट करते हैं अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो सपोज हमें दो मासेस दे रखे हैं कंपेरेबल हैं M1 M2 और उनके बीच की दूरी डी मान लेते हैं, तो यदि ये डी दूरी मेंटेन रहती है तो कितना जो है इसका ओमेगा होना चाहिए, ये इनका क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, ये इनके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या होनी चाहिए,
वो सब पे सवाल आपको दिए जा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका जो सेंटर मास है उससे दूरी, मासेस के टर्म्स में आप लिख सकते हो, ये आर वन होगा और ये आर टू होगा, तो आर वन लिख सकते हैं अपन एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू, ऐसे आर टू लिखा जा सकता है एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये हमने सेंटर मास में पढ़ा है, और जब ये म्यूचुअल ग्रेविटेशन के अंदर सर्कल ऑर्बिट कर रहे होंगे तो सेंटर मास स्टेशनरी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है ये सेंटर मास के मोशन को इन्फ्लुएंस करता है, और क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है तो म्यूचुअल फोर्स जो है सेंटर मास गोना बी स्टेशनरी। तो फोर्स जो है इनका ग्रेविटेशन फोर्स वो इनके हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बराबर बोल देंगे, तो जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, फोर्स इनके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करेगा ग्रेविटेशन फोर्स, और वो हम एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वन बोल देंगे। तो ओमेगा यदि हम निकालना चाहते हैं तो आर वन की वैल्यू डालनी पड़ेगी एम वन एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये मैंने आर वन की वैल्यू डाल दी। एम वन एम टू कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा मिल जाएगा अंडर रूट जी एम वन प्लस एम टू अपॉन डी क्यू, तो ये ओमेगा हो जाएगा जो सेम होगा दोनों के लिए, इससे हम टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं टू पाई बाय ओमेगा करते टू पाई अंडर रूट डी क्यू अपॉन जी टाइम्स एम वन प्लस एम टू। तो ये बाइनरी स्टार के केसेस में इससे हम ओमेगा उनका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपसे इनकी ऑर्बिटल स्पीड्स पूछी जा सकती है, एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, तो वो सब आप आंसर कर सकते हो। स्पीड क्या होगी इंडिविजुअल स्टार्स की, ओमेगा इंटू आर वन और ओमेगा इंटू आर टू, और उससे हम सिस्टम की एनर्जी भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखना पड़ेगा इफ यू वांट टू राइट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये काफी पूछा जाता है कि दो स्टार्स हैं और उनका ओमेगा आपसे निकलवाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, एक एसएचएम पे बेस्ड है कि सपोज एक टनल इमेजिन करें पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ऑब्जेक्ट का इसके अंदर मोशन जो है कैसा होगा और उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सेंटर से आर दूरी पर जो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा वो लगेगा जी एम आर ओवर आर क्यू, ये जी की वैल्यू होगी। फोर्स भी इसी पर डिपेंड करेगा, सेंटर से डिस्टेंस आर पे क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो किसके जैसा हो गया एफ इजिकल टू माइनस के एक्स के जैसा हो गया, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन इन केस ऑफ एस एच। तो कंपेयर करें तो के हमें क्या मिल जाएगा, जी एम एम ओवर आर क्यू, तो टाइम पीरियड जो है टू पाई अंडर रूट एम बाई के जो होता है वो क्या बन जाएगा टू पाई अंडर रूट आर क्यू अपॉन जी एम। जी एम को जी आर स्क्वायर डाल दें तो टू पाई अंडर रूट आर बाई जी आ जाएगा, जो कि लगभग कितना बनता है 84.4 मिनट्स बनता है फॉर अर्थ। इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि टाइम पीरियड जो होगा इस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, तो यदि आप कम डिस्प्लेस करके छोड़ो या ज्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ो, पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, चाहे वो यहां से छोड़े तो भी यहां पहुंचने में समय उतना ही लगेगा, चाहे इसके पास से छोड़े तो भी दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंचने में समय, टाइम पीरियड 84.4 मिनट्स के बराबर
ही लगेगा। तो ये जो टनल हमने अर्थ से सेंटर से पास होती हुई सोची, इसमें वेरिएशन ये भी पॉसिबल है कि आपको एक कॉर्ड के अलोंग दे रखा हो टनल, तो उससे मिडिल से एक दूरी पर भी जो है, यदि आप फोर्स का कंपोनेंट टनल के अलोंग लियो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो अगेन एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो हम इस एंगल को यदि थीटा बोल दें तो जो ग्रेविटी का फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा उसका हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, रिस्टोरिंग लिखना है। यदि स्मूथ टनल है तो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स टनल की सरफेस के अलोंग क्या होगा, एफ का साइन थीटा। तो साइन थीटा क्योंकि कितना है, एक्स बाय स्मॉल आर है, और हम एफ जो कि जी एम आर अपॉन आर क्यू लिख रहे हैं उसके साइन थीटा में इंटरेस्टेड है, रिस्टोरिंग फोर्स अलोंग सरफेस ऑफ टनल। तो क्या बन जाएगा, जी एम बाय आर क्यू एम जी है ना, स्मॉल आर के अलावा एम और आएगा इंटू एक्स बाय आर, आर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा जी एम एम एक्स ओवर आर क्यू। तो इसमें एक्स के कोफिशिएंट को हम के बोल देंगे, 2π√m/k से हमें वही टाइम पीरियड आ जाएगा, गिव्स टी इक्वल टू 2π√r³/gm। तो ये वही मिल रहा है हमें जो अर्थ के सेंटर से पास होते हुए टनल के केस में मिला था, वेयर एज इन दिस केस द टनल इज अलोंग कॉर्ड नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, बट इस स्मूथ टनल में हमने पार्टिकल के मोशन को अगेन क्या शो कर दिया, SHM शो कर दिया अबाउट द मिडिल ऑफ द टनल। ओके, तो इसमें यदि नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो वो एफ का कॉस थीटा से आएगा। ओके, तो इस तरह से ये जो एक हाइपोथेटिकल टनल अपन ने अर्थ के अंदर इमेजिन करी उसमें क्या होता है, मोशन SHM हो जाता है, जबकि अर्थ के बाहर मोशन जो होगा वो SHM नहीं होगा, क्योंकि जी का जो फंक्शन है अर्थ के बाहर प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि यदि इसमें टाइम के ऊपर भी सवाल दिया जा सकता है कि यहाँ से जो है सपोज ऑब्जेक्ट को रिलीज करा यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप SHM में कितना फेज एंगल डिस्क्राइब कर रहा है उससे आप टाइम टेकन भी निकाल सकते हो थीटा अपॉन ओमेगा करके। थीटा इज द फेज एंगल द पार्टिकल डिस्क्राइब्स इन मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर। सपोज जैसे मैं यहाँ से रेस्ट से रिलीज करूँ तो यहाँ तक जाने में, मिड पोजीशन तक जाने में कितना फेज एंगल डिस्क्राइब करेगा, 5/2। तो टाइम पीरियड का 1/4 जो है टाइम ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। बट सवाल इसमें यह भी दिया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है सर्टन वेलोसिटी के साथ, तो सर्टन वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है तो सेंटर तक पहुंचने में वो फेज एंगल कितना डिस्क्राइब करेगा, ये हमें एम्पलीट्यूड जो है निकाल के निकालना पड़ेगा सर्कल ऑफ रेफरेंस से। तो एक एग्जांपल उस पर लेते हैं अपन, एक टनल माने और ये ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है लेट्स से अंडर रूट gm / r, और हमें निकालना है टू फाइंड टाइम टेकन टू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये SHM पे भी सवाल है जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का मोशन क्योंकि आपने को ओमेगा पता है, हमें u इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला SHM का यूज करना पड़ेगा और a निकालना पड़ेगा। तो u क्या डालने पर रूट जी एम बाई आर और ओमेगा अंडर रूट जी एम बाई आर क्यूब हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा।
रूट जी एम कैंसिल हो गया और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से ए आ गया रूट टू आर। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो एम्पलीट्यूड रूट टू आर हो गया। और हम जो है अब सर्कल और रेफरेंस जब बनाएंगे तो क्या सोचेंगे कि रूट टू आर है और ये आर है, तो ये जो फेज एंगल डिस्क्राइब हो रहा है यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, ये रूट टू आर है और ये आर है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 डिग्री का मतलब हो गया कि पाई बाय फोर, और हम टाइम टेकन कैसे निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन ओमेगा से थीटा हो गया पाई बाय फोर, ओमेगा हो गया टू पाई बाय टी, तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर, तो ये हो जाएगा टी बाय एट। तो इस तरह से जो है हमने इस केस में अर्थ के सेंटर तक पहुंचने का टाइम निकाला जो पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ने के बजाय सर्टेन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था। ओके, तो ये जो है सवाल आप देख लो, एसएचएम में हमने क्या करा, इसमें पहले इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड निकाला और एम्पलीट्यूड से सर्कल और रेफरेंस बनाकर हमने क्या निकाला, फेज एंगल जो है डिस्क्राइब करेगा मीन पोजिशन तक जाने में। रूट टू आर यदि एम्पलीट्यूड है और आर से वो मीन पोजिशन तक जा रहा है तो फेज एंगल कितना डिस्क्राइब करेंगे। ओके, इस तरह से हम ग्रेविटेशन के सवाल जो है एसएचएम से मिक्स करके भी आपको दिए जा सकते हैं और आपको ये करना आना चाहिए। ओके, थैंक यू।